हेलो गाइस, आई मलेच अग्रवाल, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड फ्रिक्स, मेड बाय यू, मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज के जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से भी ट्राई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना आपने कोई एक एरे दिया हुआ था और उसके अंदर सारे के सारे वो वाले सब एरे निकाल लेते हैं जिसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो केसेस ज्यादा हुआ। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर था, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर था। अब यहाँ पे हिंट क्या हो सकता है सबसे बड़ा, कि कॉन्टिन्यूस सब एरे निकालने हैं। ठीक है, वर्ड्स पे फोकस करना, कॉन्टिन्यूस सब एरे निकालने हैं जिसका कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो ग्रेटर देन के हो। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि ये जो थ्री है, थ्री किसी भी एरे के अंदर इंक्लूड हो गया, कोई सा भी सब एरे हो, चाहे अकेला थ्री हो, चाहे थ्री टू हो, चाहे थ्री टू वन हो, या थ्री जीरो भी हो, मान लो एक और वैल्यू इंक्लूड कर लो, मान लो जीरो भी कोई वैल्यू हो। ठीक है, तो इतना तो अपने को क्लियर है ना कि वहां पे हमेशा अपन उस सब एरे को ले सकते हैं, सारे सब एरेज को ले सकते हैं। तो जैसे ही अपने को कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन के मिल गई तो बस उसके बाद में काउंट कर लो कि टोटल अपने पॉसिबल वेज कितने हैं, बस टोटल पॉसिबल वेज काउंट करते ही हो गया अपना आंसर सॉल्व। ठीक है, अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। ठीक है, उसके बाद में उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, देखो सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने को क्या था, एक तो इनपुट दिया हुआ था, इनपुट में एन इक्वल टू थ्री, के इक्वल टू टू, एक एरे दिया हुआ था और ये अपने को कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके और ये आउटपुट लाना था। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले तो ये है क्या। देखो ये एन इक्वल टू थ्री तो एरे की साइज है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये के क्या है और ये एरे की साइज है, इसमें क्या प्रोसेसिंग करनी है, मतलब ये जो एरे है इसमें क्या प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो एरे है ना, इससे आप कितने भी सब एरेज बना सकते हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सब एरेज कितने भी आप बना सकते हो, बस आपको सब एरेज कितने वैलिड सब एरेज है ना उनका काउंट देना है। ठीक है, अब वैलिड सब एरेज कैसे माने जाएंगे, देखो पहले इसके सारे के सारे सब एरेज बना लो। तो एक तो थ्री हो सकता है अपने आप में सब एरे, एक थ्री और टू हो सकता है, ठीक है, एक थ्री टू वन हो सकता है, हाँ ठीक है, अच्छा अब एक टू और वन भी, टू भी हो सकता है, सिंपल एक टू और वन भी हो सकता है, हाँ अच्छा एक वन भी हो सकता है। ठीक है, सारे सब एरेज आ गए, पोजिशन मैटर नहीं करती, पोजिशन आगे पीछे हो सकती है लेकिन इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? बोले नहीं, सारे सब एरेज आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ इन सारे सब एरेज में, ठीक है, हर सब एरे में क्या इसमें जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या वो ग्रेटर देन टू है? ये जो के है ना, हाँ, क्या इस ग्रेटर देन के है? बोला हाँ है ना, ये जो थ्री है इसमें एक ही वैल्यू थी, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी थी लेकिन ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी वो ग्रेटर देन के थी अपनी। ठीक है, तो एक तो ये सब एरे काउंट हो गया, ये वैलिड हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन के है? बोला हाँ, मैक्सिमम वैल्यू तो थ्री है तो थ्री तो ग्रेटर देन के है, हाँ तो एक अपने ये काउंट हो गया, तो वन प्लस वन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बताओ क्या इसके अंदर जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली वो ग्रेटर देन के है? बोला हाँ वो है ना, थ्री है इसमें भी। ठीक है, तो अपने टोटल तीन हो गए। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, अच्छा इस वाले सब एरे के अंदर बताओ कि क्या जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ग्रेटर देन के है? बोला नहीं, इसके अंदर है ही नहीं के, मतलब ग्रेटर देन के है ही नहीं। ठीक है, इसमें बोला इसमें भी नहीं है, बोला इसमें, बोला इसमें भी नहीं है, तो अपने पास टोटल काउंट कितने हुए? बोला थ्री। ठीक है, आउटपुट देखो क्या यही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही था। ठीक है, एक बार इस एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या था, फोर वही एरे के साइज और के अपना वन दे रखा था, ठीक है, और ये अपना एरे दे रखा था। अब एरे में क्या बोला, पहले तो सारे के सारे सब एरे निकाल लो, क्या क्या हो सकता है, वन हो सकता है, एक एक वन और टू हो सकता है, एक वन टू थ्री और एक वन टू फोर, वन टू थ्री फोर। उसके बाद में टू थ्री हो सकता है, टू थ्री फोर हो सकता है, थ्री फोर हो सकता है, सिर्फ थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। ठीक है, सारे बहुत सारे सब एरेज आ जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि अपन सारे सब एरेज बना सकते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझो कि उसने क्या बोला, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन कौन कौन से सब एरेज पॉसिबल है ये बताओ। ठीक है भैया, बिल्कुल बता देंगे। तो सबसे पहले तो अपन जो भी सब एरेज बनाएंगे वो वन के साथ बनाएंगे, वन वन कॉमा टू, ठीक है, उसके बाद में क्या है, वन टू थ्री, हाँ फिर वन टू थ्री फोर। अच्छा भैया एक बात बताओ, वन टू थ्री फोर क्यों, थ्री हटा दो, वन टू फोर भी तो ले ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? सबसे पहली बात तो कॉन्टिन्यूस बोला था उसने, कॉन्टिन्यूस सब एरे बोला था, तो कॉन्टिन्यूस सब एरे में ऐसा कर ही नहीं सकते, आप कॉन्टिन्यूस ही ले सकते हो। ठीक है, हाँ अच्छा, आप आगे वन से सारी पॉसिबिलिटीज हो गई, आप टू को ले लो, सिंपल टू, उसके बाद में टू कॉमा थ्री एंड देन टू थ्री और फोर। ठीक है, हाँ अच्छा, अब थ्री, चलो फटाफट ले लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो गई अपनी। अब यहाँ पे क्या बोला था अपने को,
कि ऐसी वैल्यू, क्या ये वाला जो सब एरे है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 1 है? बोला नहीं नहीं है इसमें, इसको हटा दो। क्या इसमें है? बोला हाँ 2 है ना, तो इसमें है, तो अपनी कितनी हो गई 1। ठीक है, क्या इसमें भी है? बोला इसमें भी है, तो कितना हो गया 1+। फिर इसमें भी है, बोला हाँ ठीक है, इसमें भी है, बोला हाँ, तो अपनी यहाँ तक कितनी हो गई 3। अपन वैसे काउंट कर लेते हैं, इसमें भी है 4, इसमें भी है 5, 6, 7, 8 और 9, तो टोटल अपने आउटपुट कितना हुआ 9। 9 ऐसे सब एरेज थे जिनकी जो वैल्यू है, जिनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्चुअली वो ग्रेटर देन 1 है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बस अपने को यही आउटपुट करवाना था। क्या आउटपुट करवाना था? सिंपली समझ गए अपन कि जो मैक्सिमम वैल्यू है सब एरे की वो ग्रेटर देन के है या नहीं, ठीक है, और इतने ऐसे कितने सब एरेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्वेश्चन को। अच्छा, अब इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपन दो चीज़ें समझे यहाँ पे, कि एक तो अपने को सब एरे निकालना था और एक उसका मैक्सिमम एलिमेंट चेक करना था। सही बात है, इतना अपन इतना अपने को क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अपने को पूरे के पूरे ऊपर ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, इतना तो अपने को पता है। ठीक है, एक एरे है उसके अंदर अगर अपने को चेक करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट चेक करना है या फिर सब एरेज भी बनाना है, तो एक बार ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा। जैसे अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपन यहाँ पे 1, सॉरी अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, 1 को लेके देख रहे थे कि 1 के सारे निकाल लिए अपने सब एरेज। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे थे अपन, पहले अपने 1 को फिक्स कर दिया, तो 1 को फिक्स करा तो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ ट्रैवर्स तो करा ही है। ठीक है, तो अभी तक अपने को हिंट समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बट अपन ने क्या किया, इतना अपने को बताया था कि एक बार ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, तो अपन ने ये 4 का लूप चलाया इस पूरे के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, आई को चलाया 0 से n तक। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को 1 मिल गया, अब बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 1 मिलते ही अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, कि अगर अपना 1 जो है वो ग्रेटर देन k होता तो क्या होता, और अगर 1 ग्रेटर देन k नहीं है तो क्या होगा, और या फिर 1 से कुछ और भी पॉसिबिलिटीज है क्या। ठीक है, तो देखो देखो यहाँ पे तो क्या है कि सिंपल सिंपल काम करेंगे अपन कि 1 ग्रेटर देन के है, बोला नहीं है तो छोड़ दो, इससे तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब लेकिन 1 के आगे वाले जो सब एरेज है, जैसे 1 और 2 को अगर अपन ले ले तो वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो बोला ठीक है, तो यहाँ पे अपन अंदर एक और 4 का लूप चला देते हैं जो क्या करेगा, 1 के सारे सब एरेज काउंट कर रहा है। ठीक है, तो 1 से सारे सब एरे काउंट करने के लिए देखो समझ पा रहे हो ना कि अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक 4 का लूप चलाया जिसमें अपन ने पूरे के पूरे अंदर ट्रैवर्स कर दिया नॉर्मली। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, अच्छा 1 को इंक्लूड करके कौन कौन सा सब एरे बन सकता है, वो वाले सारे के सारे सब एरे काउंट करने, तो अपन ने एक और 4 का लूप चलाया। वो क्या करेगा, सबसे पहले तो सिंपली 1 एक सब एरे है उसका, ठीक है, उसको चेक कर लेगा, उसके बाद में 1 और 2 को चेक कर लेगा, उसके बाद में 1, 2, 3 को चेक कर लेगा, एंड वैसा वैसा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अपन ने क्या किया यहाँ पे, सिंपली 1 आया अपना, ठीक है, तो 1 को तो अपन चेक कर लेंगे कि नहीं, 1 तो अपना ग्रेटर देन के नहीं है तो वो अपना वैलिड नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद में जब इसने कैलकुलेट किया 1 और 2 को, ये वाला सवेरे तो अपना चल रहा है पूरा एक पे, अब ये एक से पूरा लास्ट तक चलेगा। ठीक है, तो अपन अब के पास आ चुका है 1 और 2, दूसरा सवेरे, तो 2 हाँ मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है 2 को काउंट करवा दो, तो यहाँ पे भी 1 आ चुका है। अच्छा, अब 3 को वापस काउंट कराएंगे, 1, 2, 3 को, तो वापस 1 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 को काउंट कराएंगे तो वापस 1 आ जाएगा। अच्छा ये करेंगे या फिर इसके अलावा एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो अपन ने क्या बोला, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1 आया था अपने पास, ठीक है, अब 1 आते ही अपन ने बोला 1 के सारे सब एरेज निकाल देंगे जो कि 1 से कॉन्टिन्यूस है, ठीक है आखिर तक। ठीक है, अब अपने पास एक ऑप्शन तो ये था कि जैसे ही अपने को 2 मिला, तो 2 मिलते ही अपने पास क्या हो गया था कि हाँ ये ग्रेटर देन 1 हो गया था, तो अपन क्या कर सकते थे, सिंपल सिंपल काम, कि 2 पे आ चुके हैं। हाँ, अब अपने को पता है कि आगे चाहे कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 भी अपना ग्रेटर देन 1 है, तो आगे के सारे वैलिड हो ही जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो अपन एक काम कर सकते थे ना, क्या कि इसकी जो साइज है, इसकी साइज कितनी है, 4, 4 में से अगर अपन यहाँ तक का इंडेक्स माइनस करते जो कि है 1, तो अपने को क्या पता चला कि आगे 3 पॉसिबल सब एरेज है जिनकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, जिसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। हाँ कि ना, देखो समझते हैं कौन कौन से सब एरेज होंगे, एक तो 1 और 2, हाँ एक 1, 2, 3, हाँ और एक 1, 2, 3, 4, 3 सब एरेज हो गए, बिल्कुल सही बात है। हुआ क्या, अपन ने क्या किया, नॉर्मली एक स्मॉल ट्रिक अप्लाई करी अपन ने, पूरा कैलकुलेट ना करके, जैसे ही अपन ने बोला कि हाँ यहाँ पे ही अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल गई थी, ऐसी वैल्यू मिल गई थी जो ग्रेटर देन 1 थी, तो अपन ने यहीं से क्या किया कि आगे ये सारे कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करी, अपन ने यहीं पर बोल दिया कि हाँ ये इसके आगे की जो भी वैल्यूज है, जो भी सब एरेज बन रहे थे, वो सारे ग्रेटर देन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया अपना 3 आंसर। ठीक है, अच्छा अभी इसका हो गया, हाँ अब इस ये 4 का लूप क्या देगा अपने को, 2 दे देगा,
बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या करेगा, टू से सारे कॉन्टिन्यूस सब एरेज को काउंट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले इसने दिया टू को, अभी टू को ही काउंट कर रहा था, इसने बोला कि हाँ ये ग्रेटर देन वन आ गया अपना। तो अब इसके बाद में इसको पता चल गया कि अब यहाँ से आगे वाले सारे के सारे कॉन्टिन्यूस हैं, हाँ, और सबके सब वैलिड होने वाले हैं। क्यों? अब अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें अपन ने वन इंक्लूड किया था, इसमें नहीं कर रहे हैं अपन। सही बात है। तो अब यहाँ से भी आगे वाले सारे के सारे वैलिड हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या किया, साइज में से वापस माइनस कर दिया इसका इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स कितना था, वन, वापस थ्री आया। हाँ ठीक है, तो अब थ्री के अंदर वापस क्या एड ऑन हो गया, थ्री। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब ये फोर का लूप क्या देगा अपने को, थ्री देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसने थ्री दिया, थ्री देते अब क्या हुआ, ये जो फोर का लूप है वापस ये यहाँ से आगे के सारे सब एरेज काउंट करने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले इसने को क्या किया, ये जो सिंपल थ्री है इसको थ्री को कैलकुलेट करने आया ये, और थ्री को चेक किया इसने, क्या जो थ्री है वो ग्रेटर देन वन है, बोला हाँ थ्री अपने ग्रेटर देन वन है, बोले ठीक है। तो अब थ्री के बाद में कितने पॉसिबल्स थे, बोला साइज लो, साइज में से माइनस कर दो, थ्री का इंडेक्स कितना था, टू, तो बोला टू, टू पॉसिबल थे। टू पॉसिबल कौन कौन से थे ये भी अपने अच्छे से पता है, एक तो सिंपल थ्री, ठीक है, ये थ्री भी अपने आप में एक सब एरे हो गया, और एक थ्री कॉमा फोर, हाँ दो सब एरेज पॉसिबल थे। ठीक है, तो दो को और एड ऑन करवा दो। उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे आ गए फोर पे, हाँ फोर पे आते ही वापस चेक किया कि क्या फोर जो है वो ग्रेटर देन वन है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या करो, साइज लो, साइज में से इसका इंडेक्स माइनस करवाओ, हाँ कितने इसके बाद में पॉसिबल है, बोला वन, हाँ क्योंकि अकेला फोर ही है, फोर के आगे कुछ कंटिन्यूस है ही नहीं, हाँ तो इसमें एड ऑन करा दिया फोर। अब बताओ इस पूरा यहाँ तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया, हाँ इसका एडिशन बताओ कितना हुआ, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स और प्लस टू प्लस वन नाइन, यही था अपना आंसर। बिल्कुल सही बात है। हाँ ये तो वैलिड हो रहा है, इस पर काम कर रहा है। अब एक बार इसी फॉर्मूले को अपन फर्स्ट वाले पे लगा के देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें वापस अपन क्या करेंगे, एक बार ध्यान से दोबारा समझते हैं कि फोर का लूप चलाया अपन ने, वो तो क्या कर रहा है कि इसके ऊपर पूरे के पूरे ट्रैवर्स कर रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, ट्रैवर्स करते ही सबसे पहले अपने को थ्री दे दिया। ठीक है, तो अब अपन ने एक और फोर का लूप चलाया जो कि क्या करेगा, थ्री से रिलेटेड सारे के सारे सब एरेज बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आएगा ना तो इसके अंदर है एक इफ की कंडीशन जो कि ये चेक करेगी कि क्या ये जो थ्री है ये क्या वो थ्री ग्रेटर देन टू है। अगर ये हाँ, बोला हाँ थ्री तो अपना ग्रेटर देन टू है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब जैसे ही थ्री ग्रेटर देन टू हुआ अपना, तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे की जो भी टर्म्स आएंगी वो सारी के सारी वैलिड होंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, आगे की सारी के सारी टर्म्स वैलिड होंगी। ठीक है, तो अब इसकी साइज क्या थी, थ्री, माइनस किसमें से किया इंडेक्स, क्या था, जीरो। तो कितनी वैलिड टर्म्स निकली थी, तीन। क्यों, एक तो तीन अपना अकेला हो सकता है, एक अपना थ्री और टू हो सकता है सब एरे, हाँ, और एक थ्री टू वन हो सकता है, तो तीन ही आ रहा था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो तीन। उसके बाद में क्या हुआ, ये अपना जो फोर, ये वाला फोर का लूप है, इसने क्या दिया अपने को, टू, ये टू दे दिया। हाँ ये टू जैसे ही आया तो अपन ने इसको बोला, सबसे पहले तू टू को चेक कर लो क्या टू ग्रेटर देन टू था, बोला नहीं था। अपन ने आगे वाला चेक किया, क्या वन ग्रेटर देन टू था, बोला नहीं था। ठीक है, वापस इस फोर के लूप पे आ गया, इस फोर के लूप पे आते वापस अपन ने इसको दिया वन, हाँ वापस वन चेक किया, बोला वो भी नहीं था। तो अपना आंसर लास्ट में कितना निकला, थ्री, वही अपना आंसर है। बिल्कुल सही बात है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ट्रिक। अपन ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, नॉर्मली अपन ने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखते ही बस अपन इस पे हैंड्स ऑन करने लग गए, अपने को एकदम से दिमाग में कुछ भी नहीं आया था, अपन ने नॉर्मली एक हैंड्स ऑन करने की कोशिश करी, एक फोर का लूप ने सीधा ही बना दिया कि इटरेट कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे ना बस, और उसके आगे जैसे अपन देखने लगे ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब जिसको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है ना, और आंसर अप्रोच बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुकी है, तो आई इंसिस्ट देम कि प्लीज एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ये आंसर कहीं नहीं जा रहा है, ये आंसर यहीं पे है, वीडियो यहीं पे, आपका कोई भी डाउट होता ना तो आप वापस कम बैक करना, उसको आराम से देख लेना, लेकिन एक बार खुद से हैंड्स ऑन करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो अपन ने एक आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लिया जो कि स्टार्ट, जो कि इनिशियल वैल्यू क्या दिया अपन ने, जीरो। ठीक है, ये वही है जो अपन रिटर्न करवाएंगे लास्ट में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने एक फोर के लूप की बात करी थी जो कि अपन इटरेट करवाएंगे इस पूरे के ऊपर, हाँ तो जीरो से एन तक अपन ने इटरेट करवा लिया, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या किया अपन ने, बोला कि अच्छा अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको इंक्लूड करके कौन कौन से सब एरेज बन सकते हैं, इसके लिए अपन ने एक और फोर का लूप चलाया था। बिल्कुल सही बात है, तो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहीं से वो फोर का लूप स्टार्ट होगा, जाएगा एम तक। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब इसमें अपन ने क्या बोला कि जैसे ही कोई भी एरे की वैल्यू ऐसी आ गई जो कि ग्रेटर देन टू थी, तो उसके बाद में अपन ये बोल सकेंगे कि हाँ उसके आगे के सारे वैलिड होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे ये आ जाए तो आंसर में क्या ऐड ऑन कर दो, उसके साइज में से माइनस करो उसके इंडेक्स को, तो अपने पास क्या आ जाएंगे कि आगे कितने वैलिड सब एरेज बच गए,
जो भी टर्म आएगी उसको आंसर के अंदर एड ऑन कर दो। सही बात है। और जैसे ही अपना हो जाए उसके बाद में आगे के सवेरे से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रेक मार दो। ठीक है, और जब तक ये नहीं आए तब तक आगे आगे कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, एंड जैसे ये फोर का लूप खत्म हुआ है, पूरे के पूरे पे इटरेशन खत्म हो चुका होगा, अपना आंसर अपने पास आ चुका होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखो कंपाइल आराम से हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।